तो गाइस चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं हम, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, यानी कि खाना कहाँ से आता है, ठीक है। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, तो आज तुमने अपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ऐट टुडे, और ये भी ढूंढो कि तुम्हारे फ्रेंड ने क्या खाया। डिड यू ईट सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या तुमने कल और आज के दिन सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट, ठीक है। तो यानी कि गाइज हम अपन अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फूड वैरायटी, ठीक है, फूड की वैरायटी कितनी होती है। उससे पहले यह एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपने स्कूल के फ्रेंड को या फिर अपने स्कूल के फ्रेंड या किसी भी क्लासमेट से तुम इंफॉर्मेशन लो कि उसने क्या खाया है और उसको इस टेबल में फिल करना है, इस एक्टिविटी में ये करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, तो ये देखा जाता है कि बहुत तरीके की वैरायटी होती है जो फूड्स में जो हम खाते हैं, ठीक है। जैसे 1.1 टेबल में दिया है, ये इन्होंने फिश दिया है यहाँ पे, यहाँ ये वेजिटेबल है, यहाँ पे ये इडली सांभर है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, वट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये आइटम जो फूड है, फूड आइटम बनते कैसे हैं, ठीक है। थिंक अबाउट राइस कुक एट होम, सो उन चावल के बारे में सोचो जो तुम घर पे बनाते हो। तो हमें उसे हम चावल बनाने के लिए क्या करते हैं, वी टेक रो राइस, बॉयल इट, उनको उबालते हैं वाटर के अंदर, जस्ट टू मटेरियल और इंग्रीडियंट, दो मटेरियल या दो इंग्रीडियंट से बनकर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रीडियंट की जरूरत पड़ी, किस किस की, राइस की एंड वाटर की, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रीडियंट, दूसरी तरफ बहुत सारे फूड आइटम ऐसे हैं जो बहुत सारे इंग्रीडियंट से बनते हैं, ठीक है। राइस तो हमारे दो इंग्रीडियंट से बन गए, लेकिन सभी के जो फूड आइटम है वो दो इंग्रीडियंट से तो बनेंगे नहीं, तो कुछ इंग्रीडियंट ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे इंग्रीडियंट से मिलके बनते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट और स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें वेजिटेबल करी बनाने के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी टू है कि इसमें आपको जो भी आपने फूड आइटम टेबल वन में लिखे हैं या और कोई भी फूड आइटम, उनके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, ठीक है। जैसे रोटी है या चपाती, वो किस किस से मिलके बनती है, तो आटा और वाटर से मिलके बनती है। तो हमें ये इस ऐसे दाल के इंग्रेडिएंट और ऐसे तुम अपना कुछ भी एक पॉइंट ले सकते हो, ठीक है गाइस। इस टेबल को ऐसे फिल करना है। अब हम देखेंगे व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम, तो हमने क्या ऐसे इंग्रेडिएंट देखे जो हर फूड आइटम में, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम में सेम इंग्रेडिएंट है, ठीक है। डिस्कस इन क्लास, ये अपनी क्लास में डिस्कस करें। सो वेयर डू वी इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है, यानी कि हमें इंग्रेडिएंट मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। तो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, ठीक है, फूड मटेरियल्स और सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इट मे बी इजी फॉर अस टू गैस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, तो ये हमारे लिए इजी गैस करना है कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट टेबल 1.2 में लिखे थे वो सभी के सभी, उनके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, प्लांट ऑफ कोर्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो सबसे सब, ये कॉमन क्वेश्चन सभी को बता हुआ इसका आंसर कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। वट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, तो राइस और वीट के सोर्सेज क्या हैं, तो इनके सोर्सेज क्या हैं, पैडी और वीट फील्ड, ठीक है, वीट फील्ड विद रो एंड रो प्लांट्स, ठीक है, विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो हमें ग्रेन्स कहाँ से मिलते हैं, वीट फील्ड से, रोज एंड रोज ऑफ प्लांट। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, विच आर कम फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी, फ्रूट्स वेजिटेबल जो है हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये राइस और वीट हमें वीट फील्ड से, पैडी से मिलते हैं, ठीक है। एंड देन मिल्क, एग, मीट जो कि हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है।
अब हम एक्टिविटी 3 देखेंगे। इसमें क्या करना है, लेट अस टेक फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड वेयर द कम फ्रॉम इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो गाइज इसमें हमें क्या सोर्सेज देखना है, सोर्सेज बताना है। फूड आइटम दिए हुए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, उनके सोर्सेज बताना है। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है। ठीक है, अब व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से क्या मिला, कंक्लूजन मिला है, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन क्रियर्स वेजिटेबल एंड फ्रूट। प्लांट्स ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब किसके सोर्सेज हैं, प्लांट्स के सोर्सेज हैं। ठीक है, एनिमल प्रोवाइडर्स मिल्क मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। ठीक है, तो एनिमल्स हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, काउ गोट बफेलो आर सम कॉमन एनिमल जो कि हमें क्या विच गिव अस मिल्क जो कि हमें मिल्क देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर क्रीम चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम हो गई, चीज और कर्ड। ठीक है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, तो क्या तुम ऐसे एनिमल के नाम बता सकते हो इनसे अलग जो हमें मिल्क देते हो, तो गाइस इसको कमेंट में बताना। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड, तो प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जो हमें फूड के, जो हम फूड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ अवर फूड, प्लांट जो है हमारे खाने के सोर्स है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, अब हमें क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पार्ट। ठीक है, तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स सम रूट्स समटाइम्स स्टीम एंड इवन फ्लावर। ठीक है, तो हम क्या लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम फ्रूट भी खाते हैं प्लांट्स के, और रूट भी खाते हैं और स्टेम भी खाते हैं, कभी कभी फ्लावर भी। ठीक है, तो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, तो क्या तुमने पम्पकिन कभी खाया है बताना। ठीक है, अब ये है, ये डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट के पार्ट है ये गाइज, ये जो है ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, ये हमारी फ्रूट है। ठीक है, ये हमारी स्टेम है, ये लीफ है। ठीक है, और ये बर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो होती हैं ये बर्ड है। ठीक है, ये नोड है और ये इंटरनोड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये रूट है, रूट प्राइमरी रूट हो गई है, फिर नीचे ये सेकेंडरी रूट हो गई। ठीक है, इसको हम रूट को क्या बोलते हैं, जो हमारा अंडरग्राउंड होता है इसको हम रूट सरफेस बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो गया शूट सिस्टम, और ये हो गया हमारा रूट सिस्टम। ठीक है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट, क्या तुमने कभी खाया है? मैंने कभी नहीं खाया गाइज, आप ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, सम प्लांट हैव टू और मोर इडिबल पार्ट्स, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा इडिबल पार्ट होते हैं, इनकी ईटेबल, जिसे हम खा सकते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, मस्टर्ड प्लांट का जो सीड है वो हमें ऑयल प्रोवाइड कराता है। एंड द लीव आर यूज एज वेजिटेबल, और पत्तियां किसके सब्जियों में यूज की जाती हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड, क्या तुम जानते हो कि जो बनाना प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो फूड की तरह यूज किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड, तो सोचो कि ऐसे और एग्जाम्पल सोचो कि जो दो और दो से ज्यादा पार्ट हैं एक सिंगल प्लांट के जो हम खाने की तरह यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ यू दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, तो गाइज डोंट ट्राई टेस्ट अननोन प्लांट, तो जिस प्लांट को तुम नहीं जानते हो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो है पॉइजनस जहरीले भी होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4 में इसने ये कहा है कि फ्रॉम ऑल प्लांट फ्रॉम ऑल फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, या जो आपने 1.3 में जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स लिखे थे, ठीक है, इन सबको क्या करना है, ऑप्टेन, ये प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, तो विच पार्ट ऑफ प्लांट, हमें ये तो पता है प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, लेकिन प्लांट के कौन से पार्ट से, तो आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट शोइंग 1.2, तो गाइस इस टेबल में हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो ये आपको फिल करना है अपनी बुक में। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग एंड चना, कुछ सूखे सीड्स लो मूंग के और चने के, मूंग की दाल और मूंग लो और चना लो। सो पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर
फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड अ डे. एक छोटी कम मात्रा में सीड लो और इसे एक कंटेनर में डाल करके और उसको वाटर के साथ भर दो, वाटर में उसको डिप कर दो और उसको एक दिन के लिए रख दो. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, पानी को निकाल दो एंड लीव द सीड इन द वेसल, वेसल के अंदर इस सीड को रख दो. रैप दैम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड साइड एंड सेट असाइड. फिर उसको एक गीले कपड़े से उसको रैप अप कर दो, ठीक है, और उसको एक जगह रख दो. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन सीड्स. तो ये करना गाइज और इसमें बताना कि इसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है. स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड. तो एक छोटी सी वाइट कलर की वाइट स्ट्रक्चर सीड के से निकल रही होगी, ठीक है. अगर ऐसा है तो द सीड हैव स्प्राउटेड, ठीक है, यानी कि सीड क्या है, स्प्राउट हो चुके हैं. इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, वॉश द सीड इन वाटर, पानी में उसको धोएं, ड्रेन द वाटर, पानी को बाहर फेंके एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, और फिर उसे दोबारा एक दिन के लिए रख दें, ठीक है. कवर्ड विद अ वेट क्लोथ एंड देन कवर्ड विद अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड. देखें कि अगले दिन सीड जो स्प्राउटेड है या नहीं. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. जब वो उनको धोने के बाद वो स्प्राउट सीड को तुम खा सकते हो. दे कैन आल्सो भी बॉयल, उनको तुम बॉयल भी कर सकते हो. एड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट. और उसमें तुम कुछ स्पाइसेस मसाले भी डालकर उसको टेस्टी बना सकते हो, स्नैक्स टू ईट खाने के लिए, ठीक है. डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम. क्या तुम जानते हो कि हनी कहाँ से आता है और हाउ इट प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है. तो हैव यू सी अ बी वेयर सो मैनी बी कीप बजिंग अबाउट, ठीक है. तो क्या तुमने कभी बी देखा है जहाँ पर बहुत सारी बीज जो है बजिंग यानी कि मंडराती रहती हैं, ठीक है. बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर को हम स्वीट जूस बोलेंगे, ठीक है. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो फ्लावर्स से स्वीट जूस यानी कि नेक्टर को कलेक्ट करती है, कन्वर्ट इंटू हनी, हनी में कन्वर्ट करती है एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव में यानी कि छत्ता बोलते हैं उसमें सेव स्टोर करके रखती हैं. फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक है. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दिस यूज ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है, पूरा साल यूज करें. व्हेन वी फाइंड सच अ बी, जब हम किसी बी को देखें, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी. तो हमें क्या, फूड कलेक्ट स्टोर्ड बाय बीज एज हनी, ठीक है. व्हाट डू एनिमल ईट, अब हम पढ़ेंगे एनिमल क्या खाते हैं. Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या तुम्हारे पास कोई कैटल या कोई पैट है जिसकी तुम केयर करते हो. A dog, cat, buffalo or a goat. You will then surely be aware of food. तुम फूड के लिए, तुम इस चीज के लिए अवेयर होगे कि डॉग, कैट, बफेलो, गोट क्या चाहिए होता है. The animal eat, ठीक है. What about other animal? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eaten as their food? ये सब animals अपने खाने में क्या खाते हैं, ठीक है. Activity 6, several animal are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in table. गाइस ये जो हमें टेबल मिली हुई है, इस टेबल में है ना, यहाँ पे एनिमल्स के नेम है और यहाँ पे मैं उनका फूड बताना है कि वो क्या क्या खाना खाते हैं, ठीक है. तो ये फिल करना है आपको. एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलो. प्लेस एनिमल वेयर ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1. अब तुम्हें इसकी तीन टेबल बनानी है, ठीक है, और उसमें सबसे फर्स्ट टेबल में लिखना है कि एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट. ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको ग्रुप 1 में रखना है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हर्बिवोरस. क्या बोलेंगे, हर्बिवोरस. देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, ठीक है. देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल. अब कुछ ऐसे एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उन्हें ग्रुप 2 में रखना है और जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस, ठीक है. Do you find some animal which eat both plant and animal? क्या तुमने ऐसे भी animals देखे हैं या ढूंढे हैं जो क्या plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं. तो place them in a group 3, जिसको हम क्या बोलेंगे, omnivorous, ठीक है. Prepare a table as in table 1.6. 1.6 में लिखना आपको, ठीक है. And enter these separately in 3 column are shown. और इन्हें 3 column में लिखना है, ठीक है.